श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जी हां, प्रयागराज के हिंदुस्तान एकेडमी में संजीवनी संस्था द्वारा भारत की एक आवाज नाम से गायन प्रतियोगिता की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक शहर पश्चिमी रहे। इस प्रतियोगिता में बच्चों को संजीवनी संस्था की तरफ से संस्था के अध्यक्ष जूही जायसवाल द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में निधि जायसवाल, वित्त महासचिव स्वाति, सदस्य संजय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करती जूही जायसवाल, संजीवनी संस्था के अध्यक्ष। आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी नमस्कार। मैं जूही जायसवाल संजीवनी से, और आज संजीवनी के द्वारा एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है प्रयागराज में, भारत की आवाज। इसके माध्यम से हम बच्चों, बड़ों और कोई एज बार नहीं रखा गया है, किसी गायन को, किसी शैली को इसमें बंधन नहीं रखा गया है। बस एक कोशिश है कि लोगों के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा बाहर आए, उनकी जो भी झिझक है वो खुले, वो स्टेज तक आए। सिर्फ इतनी ही कोशिश है छोटी सी। संजीवनी की कोशिश हमेशा रहती है अपने कामों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की, और हमने इसी कोशिश में एक कदम आगे बढ़ाया। आज का किस तरह का कार्यक्रम था? आज एक गायन प्रतियोगिता थी, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई एज का बंधन नहीं था, किसी शैली का बंधन नहीं था, बस लोगों को अपनी प्रतिभाएं देना। परिचय दीजिए। मैं जूही जायसवाल, संजीव जी। बड़े उत्साह के साथ मनाया गया शहीदी दिवस। जी हां, गुरु अर्जुन देव के शहीद दिवस पर गुरुद्वारा सुखधाम भूरा रानी वार्ड नंबर 32 रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 40 दिन प्रतिदिन सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। अलवर राजस्थान से संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज द्वारा संगतों को अमृत वर्षा से गुरु घर से जुड़ने की अपील की गई। 2011 से लगातार हर वर्ष गुरु अर्जुन सिंह का शहीदी दिवस सुखधाम गुरुद्वारा भूरा रानी रुद्रपुर उत्तराखंड में मनाया जाता है। यहां दूर दूर से लोग गुरुद्वारा सुखधाम में मत्था टेकने आते हैं। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। भूरा रानी रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर अखंड पाठ का भोग पड़ा है, उसमें यहाँ पे जोड़ादार सेवादार जो हैं उनसे हम ये पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, आज उनको क्या महसूस हो रहा है यहाँ सेवा करके। जी पहले हम यहाँ से पूछते हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं टेक चंद गांधी जी। हमें यहाँ बहुत आनंद मिल रहा है, ये 3 दिन से हम जोड़ागढ़ की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। जनता ने भरपूर सहयोग दिया, शांतिपूर्वक हर आदमी चाहे कोई भी है वो आराम से जोड़ा ले रहा है, दे रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आज फास्ट न्यूज टीम भूरा रानी रुद्रपुर में पहुंची हुई है, और भूरा रानी गुरुद्वारे में आज एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है, और इस विशेष प्रोग्राम के बारे में अपने यहाँ के प्रबंधक जिसे आप मिलते हैं। हाँ जी प्रबंधक साहब, आप बताएं आज गुरुद्वारे में क्या खास प्रोग्राम चल रहा है? आज जो है पिछले 40 दिनों से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की याद में एक शहीदी गुरुपुरब जो है हम लोग मना रहे हैं। आज जिसका जो लास्ट 3 दिन हम लोगों का प्रोग्राम रहता है, जिसमें श्री अखंड पाठ साहब रखा जाता है, और आज जिसका भोग पड़ा है, और जिसमें बहुत सारे दूर दूर के क्षेत्रों से लोग जो है हमारे यहाँ पहुँचे हैं, और इस शहीदी गुरुपुरब को मनाया गया है। धन्यवाद बंधक साहब। और हमारे ही साथ में और यहाँ पे मीडिया प्रभारी पूरे उत्तराखंड के हैं, इनसे मिलते हैं। संस्था के इस स्थान का जो एक मेन मिशन के लोगों को उस परमात्मा से जोड़ना, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, हम लोग बिछड़ी हुई आत्माएं उस संसार से देह के रूप में हम इस संसार में आए, निश्चित तौर से तत्व परम तत्व में कैसे जाके मिले, इसके लिए गुरु घर के द्वारा ये सब आयोजन किए जाते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंगों में, अलग अलग जगह पर। गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी का ये शहीदी पर्व के रूप में हम लोग संगत को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि उस अपने मूल तत्व को पहचान सकें, किन कारणों की वजह से परमात्मा से बिछुड़ गए, क्या कारण रहा जिसकी वजह से संसार के लिए इतने दुख भोग रहे हैं,
सुखों को भोगने का एहसास कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सुखों का दूर दूर तक नाम निशान भी जीवन में नहीं होता, तो वो उनके भीतर वो आत्मिक तत्व कैसे जागे, तो उसके लिए निश्चित तौर से गुरबाणी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी के आदेश अखंड पाठ साहब जी का पाठ ही रखा जाता है, नित्रम जी के पाठ, सुखवाणी जी के पाठ संगत मिलके करती है, उपरंत गुरबाणी के शब्दों के राही संगत को समझाने की कोशिश की जाती है कि हे जीव, तो अपनी नादानी के कारण इस देह के रूप में आके फंस के भटक गया है, और तो अपने आप को जगा, अपनी चेतना को जगा, ताकि परम तत्व को प्राप्त कर सके। इन्हीं कड़ी में हमारे परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर हरभजन शाह महाराज जी के द्वारा भी संगत को उपदेश के रूप में समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह से हम भीतर के तत्व को जगा के भीतर से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, वो भी जीते जी। इसी मिशन को लेकर स्थान चल रहा है, उसी उपकरण में ही, उसी उपलक्ष्य में ही आज ये भोग पड़ा है। उम्मीद है कि संगत को इससे काफ़ी लाभ मिला होगा, अपने जीवन के अंदर वो परमात्मा के नाम के अमृत फल को लेके अपने जीवन को सफल करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। और हमारे यहीं के भोरा रानी के एक बड़े भाई भी साथ में शामिल हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि गुरुद्वारे में आज का विशेष पर्व जो मनाया गया है, किस तरीके से मनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में जानते हैं। 2011 में से ये गुरुद्वारा शुभ धाम में पंचम पातशाही शांति के पुंज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी गुरुपुरु के उपलक्ष्य में 2011 से लगातार हर साल 40 दिन तक श्री सुखमनी साहब जी के पाठ होते हैं, उपरांत श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता होती है, तीसरे दिन श्री अखंड पाठ साहब जी का भोग होता है। उसमें संत एंड डॉक्टर गुरे पिता संत एंड डॉक्टर हरभजन शाह महाराज जी के मुखार बिंद से अमृत वर्षा होती है, कथा विचार होता है, ताकि संगत जो है गुरु घर से जुड़ सके और गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर सके। इस समागम में गुरु घर के कीर्तनियाँ पियाँ कीर्तन के द्वारा गुरु संगत को निहाल करते हैं, और तीनों दिन रात दिन गुरु का लंगर अटूट बरता है। जोड़े घर की व्यवस्था की जाती है, स्वागत कक्ष की भी व्यवस्था की जाती है, शबील की सेवा भी यहाँ चलती है, और कोशिश की जाती है कि इस 40 दिन तक बच्चों को गुरुमुखी की क्लासेस भी यहाँ लगाई जाती हैं, ताकि गुरु घर से जोड़ा जा सके। धन्यवाद। परशुराम जयंती का हुआ आयोजन, जी हाँ, पंजाब के जिला फिरोजपुर के तहसील जीरा में कृष्णा मंदिर के हाल में भगवान श्री परशुराम की जयंती मनाई गई, जिसमें शहर के ब्राह्मण सभा प्रधान श्री गुरुदास शर्मा और मेंबरों ने भाग लिया। स्वामी कमलपुरी जी महाराज ने अपने प्रवचन सुनाए और सुंदर कांड का पाठ किया, बाद में श्री राम शर्मा जी द्वारा प्रेस को जानकारी भी दी गई। पंजाब से हमारे ब्यूरो गुरलाल सिंह वरोला की यह रिपोर्ट।
भगवान परशुराम जी की जन्म दिहाड़े ब्रह्म सभा जीरा जो श्री कृष्णा मंदिर जीरा की वाचा मनाया गया। सारे भगतों ने रल मिल के सारे शहर के ब्रह्म समाज ने रल मिल के सेवा की। बड़ा ही उत्साह है लोगों में जो भगवान जी के दसे हुए चंगिया गल्ला उन्होंने असर कर अज सारे ने वचन किया। इस करके ब्रह्म समाज सारा इकट्ठा होकर भगवान परशुराम जी की मूर्ति बना के बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा गुरु शर्मला जी की थोड़ी फास्ट में जुगा जुगा तो भगवान परशुराम जी हुए पर उन्होंने तो असं ये चार साल तो लगातार इतने मना रहे हैं। पिछले साल नालों भी वध उत्साह से महाराज जी कृपा करना आने वाले समय से इस तो भी वध उत्साह हो के भगवान परशुराम जी की जयंती इसी तरह मनावे। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी। आई हुई सारिया संगतों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने आ के सहयोग दिता साथ दिता प्यार दिता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वधिया जी। मैं पंजाब गुरदार सिंह गुरुवाले जानते हैं कि जिस मकान का नींव जितना मजबूत होता है उसे उतना ही ऊंचा बनाया जा सकता है और जिस देश में जितने अधिक साइंटिस्ट डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा देश को ताकतवर बनाए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए एडमिशन कराइए। 40 वर्षों से वाराणसी के नंबर 1 कोचिंग पांडे कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित
एमआर बनारस पब्लिक स्कूल में बनारस के सबसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, पढ़ाई का आधुनिक तकनीक जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी सुविधा, स्वच्छ एवं हवादार कमरे, अभिभावकों को होमवर्क कराने का टेंशन नहीं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पर विशेष ध्यान, घर पर ट्यूशन और कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। आज ही आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं एमआर बनारस पब्लिक स्कूल में। यहां पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरी संतुष्टि मिलेगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम समाज से जातिवाद, धर्मवाद व संप्रदायवाद को समाप्त कर सकते हैं। एमआर बनारस पब्लिक स्कूल, DLW, कंदवा गेट के पास, परमहंस नगर, वाराणसी। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जी हां, मनियर बलिया क्षेत्र के गंगापुर के प्रांगण में पुलवामा शहीद रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रविंदर हट्टी ने फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया, जिसमें सिकंदरपुर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता पर कब्जा कर अपनी करीबी देवरिया टीम को 9 विकेट से पराजित कर विजय अर्जित की। निर्णायकों द्वारा मैन ऑफ द मैच सिकंदरपुर के खिलाड़ियों को घोषित किया गया। खेल की समाप्ति पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेंदर सिंह, पत्रकार लव सिंह, पारस तिवारी, बिहारी सिंह, आयोजनकर्ता वीरू आदि लोग शामिल रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम पुलवामा सजे हमारे वीर शहीदों के लिए याद में ये टूर्नामेंट कराया गया। ये आयोजन समिति इतना बधाई के पात्र है, आपके शहीदों को याद किया, पूरा देश कर रहा था। मैं उनको पूरा शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजन मैं क्रिकेटर रहा हूँ। अब मैं ये चाहूँगा कि ये बढ़ चढ़ के और उसको और विस्तार किया जाए और इतना हम लोग का सहयोग है, जाना भी आदमी के सहयोग सभी लोग सहयोग सहयोग करें कि ये क्रिकेट और आगे बढ़े। ये होता है कि क्रिकेट इतना डिस्प्ले खेल है, एक संगठन में जुड़े रहते हैं, इतना डिस्प्ले में बच्चे रहते हैं कि आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ये बच्चे, जो भी क्रिकेटर होगा या कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बहुत संगठित रहता है और डिस्प्ले रहता है। मैं ये चाहूँगा कि जहाँ इस तरह का आयोजन समिति आयोजन कराया जाए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। मैं शासन से आग्रह करूँगा कि ये लोग बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे विराट कोहली निकल के जाएँ, देश का भी नाम रोशन करें। मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। एक किसान के द्वारा फकीर की व्याख्या। जी हां, गुजरात के इंटीरियर क्रिश्चियन कम्युनिटी के गांव वटारिया के एक रिटायर्ड शिक्षक और किसान रायाजी भाई बसावा ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में फकीर शब्द की व्याख्या दी है। इससे पता चलता है कि मोदी जी देश के जन जन की जान और शान भी हैं। गुजरात से हमारी संवाददाता भगत रूपीना बेन रायाजी भाई की रिपोर्ट। अभी मैं जो गांव में थी, ये गांव पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। विपक्ष मोदी जी के बिन सांप्रदायिक छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अपने आप में ही भारतवर्ष हैं। उनकी कार्यशैली ने उन्हें भारतवर्ष का भविष्य बना दिया है। भारतवर्ष का बोला नाम रायजी भाई है, मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ। पहला मैं टीचर था, अभी रिटायर होकर गाँव में खेती कर रहा हूँ। और संवाददाता ने मुझे प्रश्न किया कि मोदी के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं मोदी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मोदी हमारे देश का बड़ा प्रधान है और बहुत बढ़िया बड़ा प्रधान है, जिसके बारे में हम कहना चाहता हूँ। अभी अभी उन्होंने जो सीटें हासिल की है और इसमें उन्होंने जो एक शब्द बोला है कि मैं फकीर की झोली का दावा करता हूं और फकीर की झोली को भर दिया है पूरे पूरा,
हमारे ये देश का बड़ा प्रधान जो है वो फकीर नहीं है, लेकिन फकीर का मतलब क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। ऐप का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, और ए का मतलब होता है एन आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट ऑफ न्यू इंडिया, के का मतलब होता है काइंड हार्टेड मैन फॉर द पुअर, और आई इंटेलेक्चुअल पर्सन बुद्धिशाली जिसका कहते हैं, और आर जो है रिनोवेटर, ताजू करना वन दैट हु मेक न्यू। मैं मोदी के बारे में इतना जानता हूँ, वो हमारे देश का बहुत बढ़िया बड़ा प्रधान है, दुनिया में उनको ने जो अपनी छवि बनाई है वो और कोई नहीं बना सकता। आज हम गुजरात राज्य के एक ऐसे विलेज में आए हैं जहाँ पर एक किसान की हम मुलाकात ले रहे हैं, और ये भरूच जिले के वालिया तहसील के वटारिया विलेज में आए हैं। और आइए, यहाँ पे जो किसान है उनसे, वो पहले शिक्षक भी रह चुके हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो मोदी जी के बारे में वो क्या सोचते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार फास्ट न्यूज इंडिया पर इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।